triangle is there. This is a triangle. Now convention के साथ ये triangle ABC है अगर इस side को A, length of this side is A, length of this side is B, length of this side is C. Suppose the angle, this angle is A. Now how to calculate the area? Area is suppose given by delta. कोई भी नाम दे सकते हैं, इन्होंने delta नाम दिया. Area of the triangle is given by the formula 1 half b into c into 1 sin of a. This is actually properties of triangle. ये कहाँ से आया? Properties of triangle जो आप पढ़ते 11, 12. Now what has happened? इसका measurement b के measurement में कितना percent error हो गया? 1% error हो गया measurement. C के measurement में कितना error हुआ? 2% error हुआ. और angle A measure करना पड़ेगा. वो actually है 45 degree. कितना है? 45 degree. लेकिन कितने percent error हो गया उसमें? 3%. मतलब इसका error है 3%. Obviously there will be error introduced in the measurement of area. Area में भी क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें भी एरर है, सबका एरर मिला के किसमें एरर आने वाला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. कल हमने देखा कि एरिया में जो एरर आएगा, ये फंक्शन है, मतलब डेल्टा इज फंक्शन ऑफ व्हाट? बी कॉमा सी कॉमा ए. तीन लोगों पे डिपेंड है एंगल, सॉरी एरिया. किन लोगों पे? स्पेस पे. तो इसमें जो एरर आएगा वो कैसे मिलेगा? डाबा डेल्टा बाय डाबा बी डीबी. कल एक एक्सप्रेशन पढ़ाया मैंने आपको, प्लस डाबा डेल्टा बाय डाबा सी डीसी प्लस डाबा डेल्टा बाय डाबा ए इनटू डीए. राइट? समझ आ रहा है? आ गया. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परसेंटेज एरिया एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया. व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया? दैट इज, देखो डेल्टा में डी डेल्टा तो 100 में कितना, तो दैट इज व्हाट 100 इनटू डी डेल्टा बाय डेल्टा. राइट? ये हमारी रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज रिक्वायर्ड? Percentage error in calculation of area. That is this. लेकिन अभी ये लगेगा आपको, मतलब हम आगे चल के क्या करेंगे? Multiply by 100 on both sides, divide by delta, वो सब करेंगे. लेकिन ये ढूंढना पड़ेगा. अब ये कैसे ढूंढेगा? Partial differentiation. तो delta, आपका delta है half BC sin A. Now what will be d delta by मतलब डेबा डेल्टा बाय डेबा बी इज डेबा बाय डेबा बी ऑफ व्हाट? 1 हाफ बीसी साइन ए. नाउ कौन कांस्टेंट है? सी भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, मतलब ये आ गया हाफ सी साइन ऑफ एंगल ए. ठीक है? सिमिलरली डेबा डेल्टा बाय डेबा सी क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, हाफ बी साइन ए. डाबा डेल्टा बाय डाबा ए क्या आएगा? ये दोनों कांस्टेंट है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए? इट इज कॉस ए. समझ में आया आपको? ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो मेरा आंसर आ गया, ये कैलकुलेशन मैंने कर ली, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ. मतलब डी डेल्टा इज हाफ इनटू सी इनटू साइन ए डीबी प्लस व्हाट इज दिस हाफ इनटू बी इनटू साइन ए डीसी प्लस हाफ बीसी कॉस ए. ठीक है? डीए.
याद है समझना है। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय डेल्टा करना है, मतलब 100 डी डेल्टा बाय डेल्टा इज इक्वल। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करता हूं, कौन कैंसिल हो जाएगा, सी और साइन में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, डीबी अपॉन बी बचेगा इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे प्लस इसमें क्या कट होगा, डीसी अपॉन सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी कट हो जाएगा, साइन है हाफ कट है, तो आ गया डीसी अपॉन सी इनटू 100 प्लस। अब आप देखो क्या होगा, हाफ डीसी कट होगा, cos a अपॉन साइन a, व्हाट इज दैट, cot a, cos अपॉन साइन cot होता cot a, cot a da 100 cos a upon bc sin a, so half of cancel, bc bc cancel, cos a upon sin a is cot a da upon 100। अभी मेरे पास क्या क्या है वो पहले देखते हैं। मेरे पास ये परसेंटेज एरर्स है, पहले आप इतना लिख लेते हैं, so I will get a board, यहां तक आप आ जाओ। क्या दे रखा है, चालू है मैं रिकॉर्डिंग पर ना करते रिकॉर्डिंग सो दिस इज गिवन, आपको दिया है B में कितना परसेंटेज एरर है, B में परसेंटेज एरर मतलब DB अपॉन B into 100 है, वो कितना है 1%। C में मतलब DC अपॉन C into 100 2%, और A में मतलब what DA into 100 अपॉन A दिया है आपको कितना 3%, समझ रहे आपको ये दिया है। अभी यहाँ देखो क्या गड़बड़ है, DA है 100 है, A नहीं है, ये तो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आ रहा ना। इधर एक कर सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई बाय ए और डिवाइड बाय ए कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये भी था डी ए इंटू 100, ठीक है जान दो ये ही सही है, ये ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 1%, 1 प्लस ये कितनी है 2% प्लस। अब यहां क्या है, cot of a, a का वैल्यू दिया है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 45, cot of 45 यहां मैं लिख सकता, cot of 45 डिग्री into ये a, da upon a 100 कितना है 3। अब ये ए जो एंगल लिखना है वो रेडियन में ही लिखना पड़ेगा, सबसे पहला प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में काम करते हैं जो एंगल्स होते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट का यूनिट क्या है, रेडियन ही है, क्योंकि रेडियन स्केल ही फंक्शन जो है, रेडियन फंक्शन वो कंटिन्यूअस है, डिग्री कंटिन्यूअस नहीं है, डिग्री के कितने टुकड़े किए आपने, आपने थ्री पूरे सर्कल के 360 टुकड़े, 360 के फिर साथ एक डिग्री हर एक टुकड़ा, एक डिग्री एक डिग्री के कितने टुकड़े किए 60 मिनट्स, और उसके कितने किए 60 सेकंड्स, इससे आगे टुकड़े नहीं किया, वेयर एज रेडियन मेजर इज व्हाट कंटीन्यूअस मेजर। मतलब एक सिंपल बात याद रखो, ये एंगल जब पुट करना रहेगा हमें, एंगल 45 डिग्री है लेकिन हम उसका रेडियन वैल्यू डालेंगे, व्हाट इज द रेडियन वैल्यू ऑफ 45, पाई बाय 4, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा
हाँ यहाँ आप पाई बाय फोर डालो या 45 डिग्री डालो, हाँ कैलसी पे जब आप निकालते डिग्री लेके करते हैं तो आप कैलसी को डिग्री मोड में डालेंगे, रेडियन करके करते हैं तो कैलसी को आप रेडियन मोड में डालेंगे। ये आपका ये एंगल की वैल्यू आने वाली है, इसलिए ये अंदर का कोई मैटर नहीं करेगा आप पाई बाय फोर लो या 45, क्योंकि इसकी वैल्यू आप निकालेंगे ना बाद में, आर यू गेटिंग द पॉइंट। लेकिन यहाँ एंगल डाल रहे हैं, दिस शुड बी इन रेडियंस, ओके। तो 1 प्लस 2 प्लस कॉट ऑफ 45 कितना है, व्हाट इज द कॉट, 1 कॉट 45, व्हाट इज साइन 45, 1 अपॉन रूट 2, व्हाट इज कॉस 45, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, कॉट 45 इज 1 इनटू पाई बाय 4, दैट इज द रेडियन वैल्यू ऑफ दैट एंगल इनटू 3। और ये सारा कैलकुलेशन आपको किसकी एरर दे रहा है, एरिया में कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज एरिया भी एरिया देगा ना आपको, ये आंसर जो भी आए आ गए। इसमें आपको मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डेविएशन दे रखा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पता होगी आपको, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, कोई वॉक मास एम है जो ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी वी, तो इट पजेसेस द एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फार्मूला 1/2 mv2, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। नाउ ये काइनेटिक एनर्जी t से डिनोट की है, तो काइनेटिक एनर्जी में मास मेजरमेंट में क्या गड़बड़ हुई, देखो मास जो था 49, एक्चुअली सॉरी मेजरमेंट बोलने से अच्छा है कि मास चेंज हुआ, कहां से कहां तक 49 से, मतलब मास m प्लस dm इज 49.5। देखो ओरिजिनल मास m था, ओरिजिनल मास 49 था, लेकिन उसमें चेंज हुआ वो कहां पहुंच गया, बॉडी का मास बढ़ गया, ऐसा सोचो। एक्चुअली ऐसा सोचो कि दूसरे ऐसे मास ऐसे नहीं बढ़ता है बॉडी का, बॉडी का मास बढ़ने के बहुत रीजन है, या फिजिक्स में नहीं जा रहे हम, ऐसा सोचो कि मास मेजरमेंट में गलती हुई, ऐसे एंगल से सोच रहे हैं मास इतना था लेकिन इतना आपने मेजर किया, ओके। तो कितना डीएम कितना हुआ फिर, 49.5 माइनस 49 मतलब डीएम आ गया 0.5, व्हाट इज 0.5, चेंज इन मेजरमेंट और चेंज इन मास। दूसरा वेलोसिटी 1600 था, कितना हो गया v plus dv is given as what 15, तो what is dv 1590 minus dv मतलब change in velocity कितना है minus, minus मतलब कम हुआ 10 से। अभी आपको ये देखना है कि इससे कितना change होगा kinetic energy में और साइन के साथ, मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा या चेंज, समझ रहे आप, काइनेटिक एनर्जी में प्लस माइनस कुछ वेरिएशन होगा और यहाँ पे साइन आपको एक्सपेक्टेड है, बाकी जगह पे हमने कैसा कहा 1% एरर 2% एरर, हम ये नहीं सोच रहे थे कि प्लस हुआ या माइनस हुआ, हम देख रहे थे प्लस माइनस 1%, यहाँ पे हम प्लस और माइनस लेके ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी या कितने से कम हो, ऑफ कोर्स फिर परसेंटेज चेंज में हमें एक्सपेक्टेड बात में, पहले तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा प्लस माइनस वेदर इट विल इंक्रीज और विल डिक्रीज, एंड दूसरा पूछा है परसेंटेज। अभी सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने सीखा डीटी इज व्हाट, डीटी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डैबा बाय डैबा, डैबा टी बाय डैबा एम, मास पे डिपेंड है, देखो टी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट मास एंड वेलोसिटी, डैबा टी बाय डैबा एम डीएम प्लस डैबा टी बाय डैबा वी डीवी एग्रीड, डीटी मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब ये आपको ढूंढते आएगा, ये आपको ढूंढते आएगा, कैसे ढूंढेंगे आप,
इसका क्या ढूंढना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v. नाउ व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, डेबा t बाय डेबा m, हाफ v स्क्वायर आ गए, सिंपल m का वन आ गए. व्हाट इज डेबा t बाय डेबा v, mv. यस ओनली mv, क्यों ये 2 आ गया आएगा, 2 यस ये आ गए दोनों. ओके तो इसकी वैल्यू क्या है, हाफ v स्क्वायर इनटू dm प्लस व्हाट इज dt, mv इनटू dv. आप देखो आपके पास क्या क्या है, v है आपके पास, dv है यहां पूर्ण करने के लिए, m है, dm है, आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन t. ये दूसरा क्या चाहिए, 100 परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना पड़ता है, 100 dt by t करना पड़ता है. तो इसको फिर से वो मॉडिफाई करके प्लस माइनस परसेंटेज में जो भी चेंज है वो भी मिल जाएगा, दोनों आंसर. ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइन भी दिया है, मतलब यहाँ पे ये आंसर पुट करते वक्त आपको इधर माइनस साइन, कहाँ dv, देखो कहाँ माइनस साइन है, dm में माइनस साइन आएगा, सॉरी dv में माइनस साइन आएगा, और ये आंसर में फिर आपको dt में प्लस या माइनस जो भी आएगा आपके चेंजेस, और परसेंटेज में भी साइन आएगा, मतलब माइनस 2% और 3% व्हाटएवर प्लस, समझ में आपको. एक सेकेंड आप देखते हैं, 30 मिलियन ये क्या है, dt हाँ half into v कितना दे रखा था आपको, 49 ना, 49 का स्क्वायर और dm 0.5 है हाँ, प्लस मास कितना है 1600 into velocity कितना है, velocity was mass कितना था, mass 49 है ना, sorry mass तो 49 है, sorry हाँ velocity गलत लिखा मैंने, velocity 1600 का square है, mass 49 है, 49 into 1600 dv कितना है, minus 10. अब ये calculation करो ना आप, कैसे भी यार नहीं आ रहा है sir, माइनस 1.77 आ रहा है, देखो आगे क्या करना है, 0.5 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
ये तो एकदम आसान है, ये आंसर ऑलरेडी आया है आपके पास 000। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो और टी क्या लेने का, देखो टी लेने का 1/2 mv² ना, टी इज 1/2 mv², मतलब ओरिजिनल मास कितना था 49, 1/2 × 1600 का स्क्वायर, ये टी की वैल्यू आप पुट कर दो नीचे आ जाएगा परसेंटेज, समझ में आया? परसेंटेज मुझे क्या 100 डीटी अपॉन टी, तो डीटी आ गया ना आपके पास, ये डीटी है, उसको ही 100 से मल्टीप्लाई करो और टी से डिवाइड करो, टी क्या लेने का, ओरिजिनल टी चेंजेस वाला डीटी है, ओरिजिनल ये है ना, ये पुट कर लेगा, तो वो आंसर आपका पॉइंट माइनस 0.2469 कुछ आ रहा है। पेंडुलम देखा होगा आपने, ये इस तरह का पेंडुलम होता है, मास एम अटैच्ड टू स्ट्रिंग, इसको आपने ऑसिलेट कराया है ऐसे स्मॉल ऑसिलेशंस, पीरियड मतलब व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होता है, जी, जी मतलब व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, और लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये होती है ना लेंथ, कैलकुलेट होता है, इस पर डिपेंड होता है, वो मास पर डिपेंड नहीं होता है, अब
course, we are assuming ideal pendulum, we are assuming very small string and heavy bob attached to it, and so many things. We are assuming there is no air friction. In ideal conditions, this is the formula for what? Period of simple pendulum. Now, what is given? L ki true value kitni hai? 8 feet. Lekin measured value kya hai? Matlab, DL matlab what? H point not 5 na? DL hai point not 5. Samajh mein aa raha aapko? Itna error hai usme. Itna change hai usme. Waise hi G ki value kya hai? ये फीट में दिया है ना इसलिए 32 पॉइंट नहीं तो हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फीट में ठीक है ये एक्चुअल वैल्यू 32 है लेकिन एरर कितना है 0.0 ये एरर समझ में आपको क्या चाहिए dt/dt 100 dt/t चाहिए सही ये आपको चाहिए वैसे आप dt क्या लिखते हैं देखो अभी t इज फंक्शन ऑफ व्हाट किन दो लोगों पे डिपेंड होता है l और g तो dt इज व्हाट डापा t बाय डापा l dl प्लस व्हाट डापा t बाय डापा g dg इसका डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा आपको जैसे अभी t का डेरिवेटिव t क्या है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l / g है ओके 2 पाई 1 अपॉन हां तो dt / dl 2 पाई / रूट g कांस्टेंट रहेगा उसके लिए और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट l to cancel मतलब pi upon root lg आ गया ये एक हो गया फिर ये लगेगा आपको फिर डबा t by डबा g कैसे मिलेगा 2 pi root l constant है into g क्या है g raised to power minus half है ना इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना रूट एल अपॉन 2 पाई रूट एल अपॉन रूट जी नीचे ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी तो टेक द पावर टू द साइड रिड्यूस द पावर बाय 1 मतलब व्हाट जी रेस टू पावर क्या आएगा माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 आ जाएगा तो 2 पाई रूट एल जो भी है माइनस हाफ जी रेस टू माइनस भाई जो भी समझ में आपको ये यहां पुट करते आए फिर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब करके सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिले गलत समझ में आ गया सब